नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। आज मैं अपने घर में तुलसी लगाने जा रही हूँ। हरी शयनी तुलसी एकादशी का पावन पर्व है। इसकी आप सब लोगों को हार्दिक बधाई मेरी ओर से। तो देखिए, मैंने पहले से ही यहाँ से सारी सामग्री मैंने पूरी तैयारी करके रखी हुई है। और ये मिट्टी है, इसमें देखिए गोबर है और रेत है, तो तीनों का मिक्स करके मैंने यहाँ पे अच्छी सी एक मिट्टी तैयार करके रखी हुई है। तो साथियों, ये मैं गमले में अपनी तुलसी लगाने जा रही हूँ। ये गमले इसमें हल्का सा मैंने होल करके रखा हुआ है, तो ये पानी यहाँ से निकल जाए। तो मैं यहाँ दो चार पत्थर ऐसे लगा दूँगी और उसके साथ ही मैं ये सारी मिट्टी इसमें भर दूँगी ऐसे करके। ये उपजाऊ मिट्टी है, ये अपने खेत की साफ सुथरी जगह से हमने ये मिट्टी ली हुई है। इसमें गोबर के कुछ बड़े बड़े टुकड़े रह गए हैं, तो इसको मैं ऐसे तोड़ देती हूँ। इसमें कोई वो नहीं है, तो अब ऐसे मैं इसको भर देती हूँ। सारा गमला मैं इस मिट्टी से भर देती हूँ ऐसे करके। तो साथियों, ये देखिए, अभी मैं इसमें तुलसी लगा देती हूँ। जय माँ तुलसी सदा सहाय, जय माँ तुलसी सदा सहाय, जय माँ तुलसी सदा सहाय। माँ तुलसी हम सबको निरोगी रखे, आप सबके घर में खुशियाँ लाए, हमारे सबके सब निरोगी रहें, सब स्वस्थ रहें। माँ तुलसी का आशीर्वाद सब में बना रहे। और इसके साथ ये मैंने तुलसी लगा दी है। कुछ मिट्टी हमारे पास बच जाएगी तो इसको हम बाद में कर देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं भी बचेगी तो कोई बात नहीं, ये रख दिया। तो साथियों, अब मैं हाथ धो लेती हूँ। पूजा की सामग्री मैंने पहले से ही तैयार करके रखी हुई है। तो मैं आपको वैसे तुलसी माता के पूजन में या जब हम तुलसी लगाते हैं तो साथियों ज़्यादा हमें सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले ये देखिए, हमने थोड़े से अक्षत लिए हैं और ये टीका है, ये देखिए थोड़ा सा हल्दी है, ये तिल है, ये जौ है, ये फूल है, ये अगरबत्ती है, ये थोड़ा प्रसाद है बतासा, और हमारे पास ये दिया है। तो साथियों, अब हम इस पूजा करने जाते हैं तुलसी माता की। सर्वप्रथम साथियों, हमने ये दीप लगाया है, इसको पूर्व की तरह इसका मुख करेंगे दिए का। ये हमने दिया लगाया है और फिर उसके बाद हम माँ तुलसी को टीका लगाएंगे। देखिए, मैंने टीका लगाया है, फिर मैं हल्दी से टीका लगाती हूँ माँ को। और जय माँ तुलसी का जब करते रहना है तो उसे क्या, फिर हम अक्षत लगाएंगे। जौ, तिल, जौ और तिल दोनों। कुछ जौ और तिल हम दिए में भी डाल देंगे, ये देखिए इससे। और कुछ हम अपने पानी में डाल देंगे, इससे हमारा जल, जौ और तिल अगर हम पानी में डालते हैं तो हमारा जल जो अशुद्ध जल भी होता है ना, वो शुद्ध हो जाता है। माँ तुलसी को फूल चढ़ाएंगे। जय माँ तुलसी का जब हम करते ही रहेंगे, जय माँ तुलसी का, जय माँ तुलसी। साथ ही माँ तुलसी को हम अगरबत्ती से इसका पूजा करेंगे।
गंगा जल भी चढ़ाएंगे, गंगा जल से स्नान कराएंगे तुलसी माँ का, ये देखिए। और इसके साथ ही दोस्तों हम अब हम आज से हम रोज तुलसी माता का सुबह हम जल से तुलसी माँ को जल चढ़ाएंगे और शाम को हम दिया जलाएंगे। और इसमें ये विधान है कि सुबह बिना खाए पिए और हमें जल चढ़ाना चाहिए और शाम को तिल के तेल या सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। तो माँ तुलसी हम सबकी रक्षा करती है, हमारे हमें सभी बीमारियों से हमारी रक्षा करती है, हमारे घर में सुख शांति लाती है। और इसी तरह मैं माँ तुलसी के पहले सबसे सर्वप्रथम हम उनके जड़ों में पानी देंगे तुलसी माता की। ये देखिए दोस्तों, जड़ में मैंने पानी दे दिया है और उसके साथ ही अब हम उनको पूरा जल चढ़ा देंगे। जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी। माफ करना जो भी गलती हो, उससे माता हमारी पूजा स्वीकार करना। तो साथियों, इस तरह मैंने आज तुलसी रोपण किया है और इस तरह से मैंने अपने आज से मैं अपने घर में रोज तुलसी माता को सुबह जल चढ़ाऊंगी और शाम को दिया जलाऊंगी। और इसी तरह मेरा तुलसी रोपण का काम समाप्त हुआ। और अगर आप यही कहते हुए विदा चाहती हूँ।